Hello, this is Ritu Dasgupta. I'm the content manager at Sports Kira Wrestling, and we have some breaking news. We would like to announce that India has a brand new wrestling academy, the Jeet Wrestle Academy. This school is in Noida. It will train young men and young women from India to pursue their professional wrestling dreams. To tell us more about it, we have former NXT superstar Jeet Rama and the man behind Dangal Ke Surma, Vinayak Sodhi. So, Vinayak, we have been friends for a long time. Hame bataiye ki ye Jeet Rama sir ke saath aapka collaboration ka idea kaise hai? First of all, thank you for this opportunity. और आज मैं बहुत ही ज्यादा excited हूँ आप सभी को बता के. जब मैंने Russell Square start करी थी 2015 में, तो hardly कोई professional wrestling company थी India में. And to be called independent wrestling promotion, Russell Square ने सब कुछ अपने बलबूते पे करा है. Ring से लेकर सब चीजें, everything is made in India, even our wrestler superstar. और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इंडिया के सुपरस्टार जो कि इंडियन हैवीवेट चैंपियनशिप जो हमारी एमेच्योर रेसलिंग होती है उसके चैंपियन और फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोस्टर में जीत रामा जी हमारे साथ मिल गए हैं और हम लोग जीत रसल स्क्वायर जो कि इंडिया की प्रोफेशनल रेसलिंग एकेडमी लॉन्च करने जा रहे हैं. तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये डिटेल शेयर करने में कि हमारे पास क्या क्या प्लान है इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पे ले जाने के लिए इन वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग. तो ये जो नाम आपने सोचा विनायक, अगेन मैं आपसे ही पूछता हूँ, रेसल स्क्वायर तो था ही हमेशा से, तो ये जीत ऐड करने का आइडिया, मतलब ये नाम आपने कैसे सोचा? देखिए, जीत जीत जो है एक हिंदी वर्ड है. सबसे पहले जीत का मतलब है एक विन, जिसका हिंदी में शब्द होता है, और बहुत ही ज्यादा एक जो कि हमारे अंदर मोटिवेशन वर्ड डालता है जीत, वो मतलब हमारे इंडियन वर्ड है. और जीत रामा जी जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर परफॉर्म करते थे जीत रामा जी के नाम से, उनको ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उनकी जो अचीवमेंट्स थी इन रेसलिंग स्पोर्ट्स, इंडियन रेसलिंग स्पोर्ट्स, बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए उनका नाम भी जीत दिया गया था. और जीत रसल स्क्वायर जो हम लोगों ने ये नाम बनाया है इस एकेडमी के लिए, वो इसलिए बनाया है ताकि इंडिया की जीत पूरे वर्ल्ड के अंदर हो इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल रेसलिंग. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सत्येंद्र जी, जीत जी, आप इंडिया में वापस आए हो और द थिंग इज आपने मुझे बताया था कि जो इंडियंस जाते हैं कभी कभी एनएक्सटी में सेम लेवल पे ट्रीट नहीं होते जैसे कि मतलब जापानी स्टार्स होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. पिछले बार तो आप वायरल हो गए थे बोलने के लिए, हर साइट ने आपका ये पिकअप किया था आपके कमेंट्स. तो इस बार क्या अलग होगा, ये जो एकेडमी है इसमें आप क्या सिखाएंगे कि लोग तैयार होके जाए? देखिए, यही यही मेरा मोटिव है और यही हमने सिखाने की सोची है, क्योंकि जापान से हम देखते हैं रेसलर आते हैं तो वो जिस लेवल पे जापान में होते हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे वो वहां पे जाते हैं. और हमारे यहाँ पे जो रेसलर है, मतलब किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ड्रामेबाजी बहुत चल रही है, रेसलिंग के नाम पे ड्रामेबाजी चल रही है, तो वो उस ड्रामेबाजी को, मतलब वो एक रेसलिंग का नाम ऊपर उठाने के बजाय डूबो रहे हैं. और वही चीज अगर हम वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको देख के हमें वही मिलेगा जितना मिल रहा है, और उससे भी कम ही मिलेगा अगर वही सब कुछ होता रहा यहाँ पे. तो हमें अपने ऐसे रेसलर, ऐसे टैलेंट जो वो तैयार करने पड़ेंगे कि यहाँ पे एक उनका वो लेवल हो कि वहां जाते हैं उनको कम से कम अगर उसे नेक्स्ट ना मिले तो उतना तो जरूर मिले जितना उनका नाम है. बिल्कुल. रेसल स्क्वायर के बारे में तो सारे इंडियन फैंस जानते ही है, आपका इनके साथ ये रिलेशनशिप बना कैसे? देखिए, रेसल स्क्वायर का एक तो नाम, मैं पर्सनल मैं इनके पास जाता भी था, पहले भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में था मैं तब भी वहां पे जाता रहता था. यही चीज मैंने देखी कि स्टार्टिंग से ही, शायद मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई मैंने ज्वाइन किया था जब 2015 में, तो शायद तभी से इनके साथ बात होती रही है मेरी हमेशा, क्योंकि मुझे एक यही कंपनी इंडिया में ऐसी लगी एक अकेडमी जो मतलब रियल में जो रेसलिंग है उस रेसलिंग पे, जो रियल प्रो रेसलिंग है उसको फॉलो कर रही है, उसके स्टेप पे उसके चल रही है बिल्कुल सही तरह से. और जितने भी यहाँ पे टैलेंट हैं वो पहले भी आए हैं जो अभी भी कर रहे हैं जो भी, तो
मुझे ऐसा लगा कि हाँ इनके साथ मिलके और इनको देख के जो इनका जुनून है वो देखा है कि मतलब ये हर चीज अपना, सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए, मैं एमेच्योर रेसलिंग करता था यहाँ पे, तो हम कुछ भी काम करते हैं सबसे पहले हमारा जुनून उस चीज में होना चाहिए कि हमें वो करना है, रात को दिन में हमें वही चीज दिखाई दे। तो वो चीज मैंने यहाँ पे इस अकेडमी में, इस कंपनी में मैंने देखी है। तो एक खाली ड्रामेबाजी नहीं, एक बहुत अच्छी, और सब दिल से मतलब पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो यही है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। हम आगे कोशिश करेंगे कि एक WWE की तरह ही, मतलब 100% मैं मानता हूँ कि हम करेंगे कि WWE की तरह कंपनी, एक ब्रांड, एक बड़ा नाम हम इंडिया में ऐसा खड़ा कर दें कि बाहर से लोग यहाँ पे आए टीवी पे और हर जगह ये करें, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आपका NXT 2.0 के बारे में क्या राय है, क्योंकि आप और ओरिजिनल NXT में थे, तो ये कैसा लगा आपको? एक्चुअली मेरे सामने ही वो चेंज होना शुरू हो गया था। मुझे ये लगता है, पर्सनली मुझे ये लगता है कि जो ओरिजिनल NXT था वो बेटर था अभी से। मुझे पर्सनली लगता है कि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी की, क्योंकि उसके लिए कि या तो मैंने ये देखा है कि मेरे Triple H को ही लगा लो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ आदमी को उसके लिए मतलब इतना, जैसे मैं विनायक जी के बारे में बोल रहा था कि उन्होंने उस जुनून से उसको NXT को तैयार करते देखा है मैंने, उस आदमी को मतलब दिन रात मेहनत करते। फिर और कोचेज हैं, विलियम रीगल जी भी थे, और जितने और वहां पे WWE परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेज हैं, सभी को उस चीज के लिए, और 6 साल मतलब मेहनत करके देखा, और एकदम से उस चीज को बिल्कुल साइडलाइन करके नया कुछ शुरू कर दिया जाए। तो इस चीज में मुझे पर्सनली लगता है कि भाई, क्योंकि वो सब कुछ मेरे आगे हुआ, एक यही चीज है कि हम कोई भी फसल उगाते हैं अपने खेत में, और जब वो पक्के तैयार होती है, किसी को इतनी मेहनत करके उसको एकदम से काट के फेंक दिया जाए, तो सामने वाले को कोई देखने वाला है या कोई दर्शक है, उनको शायद इस चीज का लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, लेकिन मैं वहां उनके बीच में रहा हूं, तो मुझे ये चीज फील हो रही है कि वो बेस्ट था सब कुछ वहां पर। एंड फाइनली इंटरव्यू खत्म करते हैं विनायक, आपने मतलब हम काफी टाइम से दोस्त है, यू हैव टोल्ड मी आप बचपन से रेसलिंग फैन हो, रेसलमेनिया आने वाला है, आप स्टोन कोल्ड के बड़े फैन हो, तो स्टोन कोल्ड की इज कमिंग बैक, वो आप तैयार हो उसके लिए? स्टोन कोल्ड कुछ ही, अब रेसलिंग में कुछ ही लेजेंड्स बचे हैं जिनसे बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, बचपन की फैमिली की, जो पहले टाइम होता था फैमिली के साथ बैठ के पूरा रेसलिंग को देखना, एंजॉय करना। तो मुझे लगता है जो स्टोन कोल्ड आ रहा है, आई विल बी डेफिनेटली वॉचिंग रेसलमेनिया, बिकॉज मैं मोस्टली का कॉन्सेंट्रेट करता हूँ इंडियन रेसलिंग पर कि इंडिया में हम कैसे ग्रो करें, बहुत सारा वर्क होता है बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट प्रमोशन, बट दिस टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी स्टोन कोल्ड बैक इन द रिंग। बहुत बढ़िया, आपने उनका नाम दिया वीर महान। आपने काफी बार मुझसे कहा है कि WWE में पूरा रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब हमें तो वीक आफ्टर वीक दिख रहा है कि वीर महान कमिंग सून, वीर महान कमिंग सून, आजकल तो मीम बन गया है, मतलब हर जगह दिखता है हाँ, आपको। बहुत बहुत ज्यादा। पर मतलब ये इंटेंशनली कर रहे हैं कि कोई जगह नहीं है, मतलब क्या रीजन क्या होगा इसका? देखिए, ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि अभी कोई स्टोरी ना हो या कुछ ना हो, कुछ भी नहीं कह सकते हैं इनके बारे में, लेकिन जब वो आएंगे रॉ में डेब्यू करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कैसा क्या करते हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा ही हो, लेकिन यही है कि हाँ मतलब शायद ही पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी किसी के लिए इतना नहीं देखा होगा, कमिंग टू रॉ, कमिंग टू रॉ, मतलब यार एक बंदा, एक कोई भी है यार, एक जो आप बोल रहे हो कि मीम्स बन रहे हैं, तो उस बंदे के ऊपर जो खुद है, जिसके ऊपर मैंने, उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा इस चीज का, बिल्कुल जिसके जो दुनिया जिसके बारे में बात कर रही है, और सब कितने क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे होंगे, कोई भी है, तो ये एक ये चीज मतलब बहुत जरूरी है कि मेंटली प्रेशर एक बंदे पे आता है, तो वो क्या तो आगे परफॉर्म कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा, मतलब ये थोड़ा सा करना, ये इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यही एक चीज सेट करनी है कि हाँ भाई मतलब हम उनके पीछे भाग रहे हैं यार, ऐसा क्यों नहीं करें कि वो भी हमारे पीछे भागे और यहीं आए, और बाहर से भी हम अपने इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें सब कुछ। मैं कई लड़कों से बात करता हूँ, बहुत से मेरी बात होती है, सर हम इतने साल से वहां ट्रेनिंग करें, वहां कर रहे हैं, अब हम आगे क्या करें, और ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि ट्रेनिंग कर ली किसी ने, 1 साल कर दी, 2 साल कर दी, 3 साल कर ली, लेकिन उसके बाद क्या फिर? तो यही चीज करने की जरूरत है कि भाई हम ऐसा टीवी वालों से बात करके, या मैं यही चाहूंगा कि जितने भी हैं, किसी का भी हर जगह जो भी अपना सपोर्ट कर सकता है उसको करना चाहिए, ये मेरे लिए या विनायक जी के लिए नहीं, हमारे देश के लिए।
पूरे देश के लिए, और हम यही चाहेंगे हमारे देश का नाम, हमारे रेसलर, ये इतना टैलेंट है, यहाँ से टैलेंट है, मतलब इतना ऑडियंस WWE के इंडिया में है, शायद USA के बाद और किसी और कंट्री में है ही नहीं, जितने देखने वाले इंडिया में, तो वो हमें भी तो देख सकते हैं। हमारे कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, पैसा वहां जाता है, वो हमारे देश में तो रह सकता है। तो यही चीज है कि ऐसा और हो भी, और कोई जाना भी चाहे तो ठीक है, वो कहीं भी जाए, लेकिन हमारा एक मोटिव ये रहेगा कि उसको इस काबिल बनाए कि यार वो अपने दम पे खड़ा होकर कहीं भी बोले कि हाँ मैं ये हूं और मैंने ये करना है, तुम्हारी मर्जी है रखना रखो, नहीं रखना है। So, thank you. We have heard from Vinayak Sodhi. We have heard from Jeet Rama. Congratulations, guys. This is a huge milestone. Ye bahut bada ek step hai Indian wrestling ke liye. Thank you for doing this and best of luck for the future. Thank you. Aapka bahut bahut dhanyawad time dene ke liye.